गांव रजोलका में खुली दुकानों पर अवैध शराब की बिक्री होने का महिलाओं ने आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, गांव के सरपंच पर भी गरीबों के साथ भेदभाव करने और गरीबों के राशन कटवा कर अमीरों को राशन दिलवाने का भी आरोप महिलाओं ने कैमरे के सामने लगाया है। सर, हमारा नाम पिंकी है, चरण सिंह हमारे बुढ़े का नाम है, सुंदर के घर से हूँ। और राशन कार्ड 20 साल हो चुकी हैं, राशन कार्ड नहीं मिला अब तक भी। और फिर भी कहें, जब सरपंच से कहें या राशन कार्ड वाले से कहें, वे जो कह रहे तुम्हारा नाम नहीं है। गरीब घर से हैं, 2 बीघे खेत है, वो बुढ़े के नाम है, हमारे नाम कुछ नहीं, 3 बच्चे हैं। और आदमी बेरोजगारी है, किस तरह से बच्चों को पाले, हमें ये चीज़ बताएं, क्यों नहीं मेरा राशन क्यों नहीं मिल रहा हमें। हरार परमट है, उस पर राशन नहीं है, ये कहते हैं। और खेत भी है नहीं हम पे, घर हमारे कच्चे हैं। टॉयलेट के लिए पैसे दिए थे सरकार ने, वो भी नहीं दिए सरपंच ने, वे भी यूँ कह दिए, वे पीछे से नहीं आए, हम क्या करें। तो घर में टॉयलेट भी नहीं है? नहीं जी। क्या नाम है? भगवती। कहाँ से आए हो? रजौला से। क्या कारण है जो राशन कार्ड नहीं बना अभी तक? बताओ ना जी, हम तो सरपंच से बोले हैं और पहले भी कही, किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। तो राशन भी नहीं मिलता? नहीं जी, कभी नहीं मिले हमें आज तक। तो जो शौचालय बनवाए थे, आज तक शौचालय भी नहीं हुआ? शौचालय के पैसे नहीं मिले आज तक। कितने घरों में शौचालय नहीं है अभी लगभग गांव में? कागज लेके पैसे नहीं है, कई घरों में नहीं है। मैं रजौलका से आई हूँ, 4 मेरी बेटियां हैं और बीपीएल कार्ड है नहीं हमारे पास। टॉयलेट हमारी खुद की है जी, फूटी टूटी, पैसा कोई मिला नहीं है जी, और कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। राशन नहीं मिलता? राशन नहीं मिलता। तो कभी अधिकारियों से बात की है कि हमें राशन के लिए राशन कार्ड बनना चाहिए? जी बात तो करते हैं, कोई सुनाई नहीं करता, कोई कार्रवाई नहीं करता जी। क्या मांग करते हो आप? हम यही मांग करते हैं जी, हमारी राशन बीपीएल कार्ड चाहिए हमें, और हमें राशन चाहिए, हमें सारी सुविधा चाहिए जो गवर्नमेंट ने दे रखी है, वो सारी सुविधाएं हमें चाहिए जी, क्योंकि हमारी 4 बेटियां हैं और जॉब भी नहीं है, वो भी वैसी जॉब करते हैं प्राइवेट, तो इसलिए हमें जी सारी सुविधाएं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए जी। जी हमारे पेरे परमट नहीं है जी, हमें राशन नहीं मिलता है, हमारे कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 लड़कियां जी और 1 छोटा वाला लड़का है, और हमें ना लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं है, कच्चा घर है, टीन पड़ी हुई है और वो भी चुचाती है, खाने के लिए नाज नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है जी। राशन कार्ड भी नहीं है, नहीं कोई सुविधा है, ना कोई नौकरी है, बेटा के कोई नौकरी नहीं है, वो भी बेरोजगार है, और ना मुँह पे घर रहने के लिए वो कुछ नहीं है, वो ना कोई राशन मिले ना कुछ, सरपंच से कह ली बतेरी, ना कोई कार्ड बनवावे ना राशन कार्ड बनवावे, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और ऐसे सरपंच होना चाहिए जो कार्रवाई करे और सबके राशन कार्ड बनवावे, ऐसे सरपंच का क्या काम है जो काम ही नहीं करे, खाली कह देता है सब काम कर दिए, कार्ड भरवा के अल्लाह लेटरिन के करवा लिए, कुछ भी कार्रवाई नहीं है। घरों में शौचालय भी नहीं है? मैं शौचालय भी नहीं है, मैं दूसरे घर में रहती हूँ सुखबीर सिंह के में, और मेरे आदमी का नाम वेद प्रकाश है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे घर में कुछ नहीं है, मेरे ना मेरे बेटा की नौकरी सरकारी ना मेरे आदमी। क्या मांग करते हो आप सरकार? सिर्फ अपने कहें जो सरकार दे रही है वो मिलना चाहिए, जो हक तो दो और आगे अपनी मर्जी जो किस्मत है। अगर तुम्हें हक नहीं मिलता तो क्या कार्रवाई रहेगी आगे? फिर ऐसे सरपंच का क्या फायदा जो सरकार फिर दे रही है, तो उसे तो मिलना चाहिए नहीं, फिर वो नहीं करनी चाहिए मुनादी, भाई वो चीज़ मिल रही है, वो चीज़ मिल रही है, सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मिलना चाहिए। हमारे पास पेरे परमट नहीं है, हरे परमट है, नहीं हमें कोई राशन मिलता है, और हमारे घर वाले भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और उन्हें भी घर का खर्चा पूरी तरह नहीं चलता है, और हम गरीब आदमी हैं, हम अपने हक के लिए खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा जब तक हम खड़े रहेंगे इसी तरह। सरपंच से बात की है, सरपंच क्या कहता है? हाँ जी, सरपंच से भी बात की है, वो शराब पी के रहते हैं और फोन नहीं उठाते हैं। गांव में नहीं रहते वो? नहीं जी, बहुत कम गांव में रहते हैं। फरदाबाद में रहे हैं हम। सर, घर घर में दारू बिक्री है, 3 घरन में ज्यादा बिक्री है, 1 बिक्री है और 1 मोटू के घर में, और सुबह के आदमी निकले दारू पी के घर आ जा, फिर बीरवानी ने मारे, और सरपंच भी पता हो, गांव में भी पता हो, गांव को बहुत ज्यादा माहौल खराब है, सब दारू पी के फिर घर में कलेश करें, घर घर में दारू बिक्री है, अभी आपको सुधार होना चाहिए, बाहर ठेके नहीं है, घर में ठेके।
और ना रुक रोक भी लिए घर में मत देखो तो भी ना रुक रहे। तो ठेके हैं या प्राइवेट दुकानों प्राइवेट अपने घर में ला ला के धर लें और फिर पौआ पकड़ा दें, आदमी जहाँ चुप पौआ पकड़ा दें। सरपंच की मिली भगत से सरपंच को सरपंच ये भी इसे पता है कि गांव में चल रही है दारू। कितनी जगहों पर बिक्री लगभग? 3 जगह बिक्री है फिलहाल। तो क्या क्या नाम है उनके? एक तो बिक्री है बिक्री को छोरा और एक मोटू है। जी शाम को जाते हैं और पी आते हैं और फिर कमाते नहीं है धमाते नहीं है और फिर मारने के चढ़ते हैं और दारू बंद करते नहीं है। और दो घरों में बिक्री है, उसका नाम तो चलो मुझे पता नहीं है, पर बिक्री है गांव में। खूब माहौल खराब हो रहा है, अच्छा नहीं है, और मारते हैं पीटते हैं, सब शरीर तोड़ कर रख रखा है। सरपंच को पता है गाँव में शराब बिक्री? सरपंच को जी पता तो सरपंच को भी है, पर लेकिन बंद नहीं करता वो किसी को भी। बहुत गंदा माहौल हो रहा है, कमाने पर कोई नहीं दे रहा नीत। गाँव की महिलाएं आई हैं रजोलका से, जिनकी समस्या है कि राशन कार्ड नहीं बने हैं अभी, और राशन कार्ड के साथ साथ VPL कार्ड भी नहीं है। ये बेचारी बहुत गरीब हैं, जो खेत ना तो इनके पास खेत है, ना रोजगार है, ना नौकरियां हैं। तो मैंने पहले सरपंच से बात की थी तो सरपंच ने कह दिया था कि सबके VPL कार्ड चढ़वा दिए गए हैं, लेकिन आज धरातल पर जाके देखा जब महिलाएँ पलवल तक आई हैं, बड़ी परेशान हैं। और सरपंच से मैंने बात भी की तो सरपंच ने यही कहा था कि सारे काम हो चुके हैं लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। मैं DC साहब को इन चीज़ों से अवगत कराऊंगी और इन महिलाओं के जो सारे काम हैं मैं वो करवाऊंगी। बताया गया कि कई घरों में गरीबों को शौचालय भी नहीं है वैसे। हाँ, अभी ऐसे बहुत से गाँव में ऐसे घर हैं जहाँ तक अभी शौचालय भी नहीं बने हैं, और शौचालय के लगभग मेरे हिसाब से तो 3-4 महीने पहले ही सारा मिशन पूरा हो चुका था। इनको जो 20-20 हज़ार रुपये जो मिलने वाले थे वो आज तक नहीं मिले, ना शौचालय बने हैं। तो महिलाओं ने आरोप लगाया गांव का जो सरपंच है वो शराब पी के रहता है, गांव में भी नहीं रहता। महिलाओं ने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल सही है। मैंने भी सरपंच के पास फोन किया था तो 2 बार वो शराब पीकर ही फोन उठाया था, और उसने मेरे से भी यही कहा था कि हाँ गांव में सारे विकास कार्य हो चुके हैं लेकिन आज धरातल पे अगर रजोलका में देखा जाए तो ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। मैं इस चीज को DC साहब को अवगत कराऊंगी और महिलाओं की सारी समस्याओं इनके हक के लिए मैं खड़ी हूँ। बताया था कि रजोलका में कुछ दुकान वाले हैं, गांव में छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, वो शराब बेच रहे हैं, जिनकी शराब बेचने से गांव का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। गांव के लोगों में ऐसी नौकरियां तो है नहीं, महिलाएं बेचारी घर में काम करती हैं, लोग जाते हैं शराब पी कर आते हैं, महिलाओं से झगड़ा करते हैं, खाना टाइम पर नहीं खाते, तो गाँव का माहौल बहुत खराब हो चुका है। मैं इस चीज को भी DC साहब से SP साहब के समझूंगी कि एकाध बार जाके वहाँ पर जाँच की जाए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं खामियाँ नजर आ रही है इसमें। जिला प्रशासन की इसमें कोई कमी नहीं है, कमी है सरपंच की। सरपंच गांव का मुखिया होता है, ये चीज सरपंच को देखना चाहिए, लेकिन सरपंच खुद फरीदाबाद में रहता है और सरपंच को इन चीजों से अवगत कराना चाहिए। जो सरपंच एक गांव का सरपंच बनने के बाद, एक मुखिया बनने के बाद गांव को स्वच्छ और अच्छा समाज नहीं दे सकता, तो ऐसे सरपंच का